तो अभी फ्यूल कम है, चल के फ्यूल डलवाते हैं पहले बाइक में। मतलब आपको मत सिखा, चल। आगे पेट्रोल पंप है। अच्छा, ये वाले से नहीं, आगे वाले से, यहाँ बहुत भीड़ है। A few inches later, बहुत भीड़ है यार, फिर क्या होगा। चलो आगे डलवा लेंगे। यो व्हाट्सअप भाई, स्वागत है आपका मेरे चैनल नाइट्रो एक्सट्रीम में। भाई सबका इस सब मस्त होना, तो स्वागत है आपका इस नए व्लॉग में। आज है संडे और अभी शाम के बज रहे हैं 6 समथिंग, हाँ 6:15 हो रहा है अभी। और मैं आया था घूमने और मैंने देखा बाइक में फ्यूल बहुत ही कम है, तो मैंने कहा चलो फ्यूल डलवा लें। लेकिन अभी तो देखा ही आपने क्या सीन हो रखा था वहाँ का, इतनी दोनों पेट्रोल पंप पे इतनी भीड़ कि क्या ही बताऊँ अब मैं। अब देखता हूँ आगे पेट्रोल पंप मिलेगा वहाँ पे डलवा लेंगे। पहला तो टास्क यही है कि पेट्रोल डलवाना है, फिर दूसरा टास्क है कि घूमने जाना है, क्योंकि आज मौसम बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। चलो अभी बहुत दिन से व्लॉग नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, इसीलिए मैं व्लॉग नहीं डाल पा रहा था। लेकिन आज संडे था तो मैं बाहर आ गया घूमने। समझ रहे हो आप? बीच रोड में आके खड़े हो जाते हैं इडियट कहीं के एकदम से। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? अबे वाइजर खुल। हाँ वाइजर खुल चुका है, गर्मी लग रही है। स्कूटर लेना बात कर, मेरे को जानता नहीं है ये। अब आएगा मजा, लेकिन ट्रैफिक नहीं होगा तब। ट्रैफिक ही देख लो इतना, अगर ट्रैफिक होगा तो फिर मजा नहीं आने वाला। और मुझे जहां तक लग रहा है कि ट्रैफिक है यहां पे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो देखते हैं आगे चलते हैं, शायद ट्रैफिक ना मिले। और मैं पेट्रोल पंप के चक्कर में कहां तक आ गया, मुझे लगता है अब तो पेट्रोल पंप मिलने भी नहीं वाला। अबे साले तभी आज कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक हो रहा है इस पे। वैसे ये हाईवे को लिंक करता है ये रोड, एक तरह से हाईवे ही बोल सकते हो। और वो रहा हनुमान टेकरी ऊपर वहाँ। चलो अब आगे चलते हैं। अरे हाय मज़ा आ जाता है इसको चलाने के बाद, कुछ भी कहो। पेट्रोल पंप अब घूम के आना पड़ेगा। अरे यार चोट हो गई, जनता माफ नहीं करेगी। पिपी 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 हमारे सामने चल रही है पोलो वोल्सवैगन की, रेड कलर में इसका पेटेंट कलर। पेटेंट नहीं है मतलब, इसी ज्यादा फेमस ही इसी कलर से हुई है। वैसे ज्यादा फेमस तो वो अपने इंजन से हुई है। अरे बाबा क्या ही लीन हुआ, मजा आ गया, इतना प्यारा लीन।
करो भाई। अब आगे मिलेगा पेट्रोल पंप, चलो आगे ही डलवाएंगे यार। लीन कैसा लगा कमेंट में बताना, मेरे को तो मजा आ गया कसम से इस लीन को करके। हाय हाय, मौसम चेक करो क्या हो रहा है। अरे एरो किसने बना दिया आज बादल में? ये क्या हो रहा है, एरो किसने बना दिया? चलो आ गया पेट्रोल पंप आगे, शायद से आगे है, वैसे है वो, देखो दिख रहा है, देखो देखा, जूम करूं एक मिनट को, नहीं हुआ। अरे वोल्वो, चलो पहले पेट्रोल डलवाएं, इसको कुछ खाना खिलवाएं। मुझे बोल रही है कि खुद तो खा लेता है पेट भर के, फुफड़ कहीं का, मुझे खाना नहीं खिलवाता। ये हैगा इंडियन ऑयल, चल के इसका खाना इसको खिलवाते हैं। इसको चलाने के बाद में मज़ा बहुत आता है भाई। वैसे ये बहुत ही भीड़ वाला इलाका है क्योंकि ये मेन मार्केट है, फिर इसके आगे फिर कोई मार्केट नहीं है, बहुत आगे ही है मार्केट। अच्छा नॉर्मल नॉर्मल ये है नॉर्मल। वैसे ये चचा हमको घूर रहे हैं, आज से हमारा ये कैमरा देख रहे हैं या फिर बाइक देख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। बाइक देख रहे हैं, बाइक देख रहे हैं, बाइक देख रहे हैं। चलो भाई पेट्रोल डलवाए 10 रुपया का। क्या बोला तूने? पेट्रोल डलवाए 10 रुपया का। छोड़ी बच्ची हो क्या? इतना ही बजट है मेरा, 15 रुपये रख के लाऊं, 5 रुपये की चीज खाऊंगा और 10 रुपये का पेट्रोल डलेगा इसमें, समझ में आई? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। आज इन भैया का रिएक्शन लेंगे, 10 रुपये बोलूंगा भैया 10 रुपये का पेट्रोल डालो इसमें, वो बोलेंगे 80 का डलेगा भैया 570। ठीक है, कौन है ये लोग? चलिए भैया थैंक यू। देखो मैंने साफ साफ बोला था कि मैं 10 रुपये का ही डलवाऊंगा, 15 रुपये मिले मुझसे। गजब तू भी बाजार में। मैंने 10 रुपये का ही डलवाया है, 570 इसके लिए 10 रुपये ही है। नहीं इसके लिए तो बहुत है, लेकिन जैसे कि अपनी माइटी हायाबूसा हुई, माइटी H2 हुई और ZX10R, BMW 1000R, इन सब के लिए 570 कुछ नहीं है। तुम ऐसा समझ सकते हो इन सब गाड़ियों के लिए कि एक सिप ऑफ वाटर, हाँ, या हाफ ग्लास ऑफ वाटर, हाँ ये सही रहेगा, एक सिप तो बहुत कम हो जाएगा, 1.5 ग्लास ऑफ वाटर इन सब के लिए इतना होता है बस। अब सोचो आप भाई 12-13 का एवरेज देती हैं, 12-13 भी मैंने ज़्यादा ही बता दिया, 12-13 जब जब इज्जत से चलाओगे, और वो ऐसी गाड़ियों को कोई इज्जत से चलाता नहीं है, 200 से नीचे बात करता नहीं है कोई। मेरी बाइक को रिएक्शन बहुत मिलते हैं, कुछ भी कहो भाई रिएक्शन तो भरपूर मिलते हैं, हर पल्ले। अब भाई आएगा मजा भैंस की दान। टच कर दी, और ये हमारे बगल में चल रहे हैं एक्सपल्स वाले भाई, जिनके पास है एक्सपल्स 200 नया कलर, और भाई मजा आ गया कुछ भी कहो भाई। इससे ज़्यादा जाती लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है यार कि फिर हेलमेट में मेरा जो वाइजर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, मेरी बदमसीबी क्या करूं यार। ओ पी इन द चैट, क्या जलवे हैं आपके, तो आप तो सलमान भाई के भी भाई हो। चलो आप बहुत घूम लिया, कितने बज रहे हैं? अरे मैया अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ वैसे। लेकिन ज़्यादा जल्दी, अब देखो भाई क्या मौसम हो रहा है, क्या मौसम हो रहा है भाई। ओ पी इन द चैट कमेंट करके बताओ मौसम कैसा लगा।
और मेरे पीछे चल रही है बहुत ही मस्त बाइक आए है, तो वही कहूँ नाइस बाइक। ये इम्पल्स का स्पेशल एडिशन है, वैसे बता दूँ तुम्हें हीरो की इम्पल्स है और इन्हें भाई ने बनवाई है। ये भैंस की देख रहे हो एग्जॉस्ट लगवाया हुआ है, एक्रा का एग्जॉस्ट लगवाया है भाई ने, गजब के। लेकिन कुछ भी कहो रिएक्शन मिलते हैं भाई। मैं भी सोच रहा हूँ अपनी बाइक में रिएक्शन मैं भी सोच रहा हूँ अपनी बाइक में एग्जॉस्ट लगवाने का, वो भी फुल सिस्टम, और उसमें कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, तो ट्विस्ट क्या है वो बताऊंगा बाद में। लेकिन एग्जॉस्ट लगवाने का सोच रहा हूँ, कमेंट करके बताओ कि कौन सा एग्जॉस्ट मैं लगवाऊँ अपनी बाइक में। देखो फुल सिस्टम तो रहेगा, बैंड बाइक में तो कमेंट करोगे नहीं। मफलर में बताओ, मफलर जो रहता है अपना एंड कैन भी जिसको बोलते हैं, तो एंड कैन में बहुत वैरायटी है। अब देखो मुझे पर्सनली भाई लाउड एग्जॉस्ट पसंद है, लाउड एग्जॉस्ट है इसकी, कहीं से निकलो ना तो फिर लगना चाहिए कि गाड़ी तुमने खरीदी और तुम पैसा खर्चा करा है तुमने उस पर, तो वही बात सीन है। तो अब कमेंट करके बताना कि कौन सा एग्जॉस्ट लगवाना चाहिए मुझे। अब वापस चलते हैं यहाँ से, अगर टर्न हो तो, वैसे टर्न तो होना चाहिए यार यहाँ पे, नहीं तो मैं ग्वालियर थोड़ी ना जाऊँगा, ना जयपुर जाऊँगा घर वालों को बिना बताए हुए और ग्वालियर इन सब की लॉन्ग राइड कर ली। चलो चलो यहाँ से अभी रिटर्न होते हैं। चलो अच्छा है मिल गया रोड, ये कुछ खतरनाक लग रहा है मुझे भैं। अब होगा टॉप स्पीड चेक, बहुत ही ज़्यादा विंड ब्लास्ट आने के चक्कर में। अब देखो क्या करें यार, विंड ब्लास्ट तो आ ही रहा है, विंड ब्लास्ट का कुछ कर नहीं सकते हैं, सो इतनी खींच पाए हम। बाइक चलाना एक ऐसी थेरेपी है जो हर बाइकर रिलेट कर पाएगा, वो डिप्रेशन में हो, वो उसका घर वालों का टेंशन, पैसों का टेंशन और जितनी भी चीज़ों की टेंशन होती है। और तो सीन ये है कि अगर आप कितनी भी डिप्रेशन में हो, आपके पास बाइक है, कोई सी भी बाइक नो मैटर कोई सी भी बाइक, आपके पास सुपर बाइक है, स्मॉल बाइक है, स्प्लेंडर है, एक्टिवा है, मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आप डिप्रेशन में हो कुछ मत करो, गाड़ी निकालो और बाहर निकल जाओ, घूमो आधा एक घंटा दो घंटा घूमो, बाइक चलाओ। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 100% प्रूवन है ये, आप बाइक चलाओगे ना तो आपका जो डिप्रेशन है वो फुर हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। चलो अब भगाते हैं इसको, अब सीधे सामने से सीधा रोड है, चैट क्या लीन हुई है गाड़ी भाई, क्या लीन हुई है। अभी ये सीन है, अब मैं जा रहा हूँ घर, अब मुझे पढ़ना है, मेरा पेपर है। और अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर ऐसी ही और भी ब्लॉग्स देखने हैं तो मेरे चैनल को वो लाल बटन है उसकी उस पर लाके हथौड़ा मार दो, मोबाइल अपना फोड़ डालो, लेकिन सब्सक्राइब करो, नहीं मोबाइल मत फोड़ना, मेरे चक्कर में मोबाइल क्यों फोड़ोगे। हाँ तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं किसी और नए शानदार व्लॉग में, तब तक के लिए राहुल गांधी जी आइए, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।